हेलो टेक फैंस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग की वजह से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पार हो पाए हैं हमारे चैनल पे। और दोस्तों, ऐसा ही आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो हो सकता है हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो जाए जल्दी। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन में गेमिंग को और भी बेटर कर सकते हैं, गेमिंग कैसे एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे आप अपने जो गेम के ग्राफिक्स हैं वो और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं ताकि आप गेम का पूरा मज़ा उठा पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये GPU रेंडरिंग क्या होती है, आपको अपने फ़ोन में ये इनेबल करनी चाहिए कि नहीं। और दोस्तों, अगर इनेबल करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, और अगर आपने इसे गलत टाइम पर इनेबल कर दिया तो क्या हो सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़। पहली चीज़ जो आती है गाइस, वो है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन हमेशा फ्री रहनी चाहिए, क्योंकि होम स्क्रीन UI एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता है। तो आपकी होम स्क्रीन क्लटर फ्री होनी चाहिए। क्लटर फ्री का मतलब गाइस, क्लटर फ्री को हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आपकी होम स्क्रीन डिसऑर्गेनाइज नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आप स्क्रीन पर कोई चीज़ ना रखें, ना कोई विजेट, ना सोशल फीड्स, ना लाइव वॉलपेपर, ये सब ना ही हो तो अच्छा है। दोस्तों, इस अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके फ़ोन में जो गेमिंग है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। गाइस, सेकंड चीज़ आती है अपडेट। गाइस, जैसे जैसे गेम अपडेट होता है तो उसके बग्स रिमूव किए जाते हैं, उसी तरह से जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होता है तो उसके जो पिछले वर्जन के बग्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो इससे जो डिवाइस है वो बेटर परफॉर्म करता है और हर चीज़ में हेल्प करता है, चाहे वो गेमिंग हो या और कोई भी चीज़ हो। तो आपको हमेशा फ़ोन अपडेट रखना चाहिए। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि ऐप्स जो होते हैं बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना होगा और उस ऐप पे जाना होगा जिसको आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एडवांस फीचर में जाना होगा, फिर उसके बाद आपको बैटरी ऑप्शन दिखेगा, बैटरी में जाके आपको बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन इनेबल कर देना है। गाइस, ऐसे ही आप अपनी फ़ोन की बैटरी बचा सकते हैं। गाइस, एक और सेटिंग है जो आपको डेवलपर ऑप्शन में मिलती है बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन की। गाइस, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना रहेगा, वहाँ पे आप बैकग्राउंड चेक सर्च करेंगे, वो आपको दिखा देगा कि कौन से ऐप्स अभी रन कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो आपने ये देख लिया, आप यहाँ पे गूगल कॉन्टैक्ट्स या जो भी ऐप हो वो आप यहाँ पर ऑफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिटेड, देखिए दोस्तों, मैंने नो बैकग्राउंड प्रोसेसर लगा रखा था, इसीलिए जब मैंने वहाँ पे चेक किया था सिर्फ एक ही ऐप दिखाया था, क्योंकि वो बहुत ही नेसेसरी ऐप है तो वो बैकग्राउंड में चलेगा ही। बाकी जो दूसरे ऐप जितने भी थे, फेसबुक वगैरह, वो सब वहाँ पर नहीं दिखा रहा। गाइज, मान लीजिए आप किसी ऐप को बार बार खोलते हैं तो आपका ऐप कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप खोलें तो वो क्विकली खुल जाए। वैसे तो दोस्तों, जो कैच मेमोरी होती है वो आपके बेटरमेंट के लिए होती है, आपको बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए होती है। बट दोस्तों, अगर ये कैच मेमोरी लार्ज अमाउंट में इकट्ठी होती चली जाए तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं आपके डिवाइस पे, आपका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो सकता है और लैगी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको टाइम टू टाइम ये जो कैच मेमोरी है वो क्लियर कर देनी चाहिए। जो लार्ज ऐप्स हैं उनकी तो ख़ास तौर पर, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीक में आपको ऐसा एक या दो बार तो ज़रूर करना चाहिए, आपको अपनी कैच मेमोरी ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। अगर दोस्तों आप अपनी कैच मेमोरी हमेशा क्लियर रखेंगे तो आपका फ़ोन हमेशा स्मूथली चलेगा और इससे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। गाइस, हर एक डिवाइस में एनिमेशन इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, जिससे कि आपकी गेमिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गाइस, इसको ऑफ़ करने के लिए आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे एनिमेशन सर्च करिए, आपको तीन एनिमेशन मिलेंगे, विंडो ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन। मैं गाइस आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन सबको या तो एनिमेशन स्केल 10x पे डाल दीजिए या तो सबको ऑफ़ कर दीजिए। गाइस, अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे आपकी गेमिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। गाइस, टू इनेबल दिस सेटिंग ऑन योर डिवाइस, जस्ट गो टू डेवलपर ऑप्शंस ऑफ योर डिवाइस, फ्रॉम देयर सर्च फॉर 4xMSAA सेटिंग्स, एंड व्हेन यू फाइंड इट जस्ट इनेबल इट। गाइस, इसको इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन में जो गेम है वो हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी पे रन करेगा और आपको एक बहुत ही बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब गाइस,
आपका फ़ोन जो है वो जो ऐप है या गेम है उसको बहुत ही अच्छे क्वालिटी में रन करेगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि GPU होता क्या है। गाइज GPU इज़ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU के जैसा ही होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू CPU, बट जहाँ CPU कैलकुलेशन एंड टास्क परफॉर्म करता है, GPU ऑन द अदर हैंड हैंडल्स ग्राफिकल ऑपरेशंस। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि GPU क्या काम करता है। CPU वैसे तो फ़ोन में हर चीज़ हैंडल कर लेता है, पर हाई ग्राफिक एंड्रॉयड गेम्स खेलते टाइम वो थोड़ा लैग करता है। गाइस CPU जिस तरह से डिज़ाइंड होते हैं उस तरह से वो ग्राफिक डेटा प्रोसेसिंग में थोड़े इनएफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू GPUs, जो कि प्रोग्राम ही होते हैं ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए। सो गाइस जब आप अपने फ़ोन में GPU रेंडरिंग ऑन करते हैं तो आप ग्राफिक प्रोसेसिंग के टास्क को CPU से हटाकर GPU को दे देते हैं, जिससे CPU फ्री हो जाता है और उसका एंड रिजल्ट होता है एक बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस। गाइस रुक जाइए, इतनी जल्दी क्या है, आप तो भाग पड़े। गाइस ये जो GPU रेंडरिंग है ये सिर्फ आपके फ़ोन के 2D ग्राफिक्स को एनहेंस करती है, या 2D गेम्स आप खेल रहे हो तो उसके लिए आप GPU रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन PUBG और फ्री फायर जैसे बड़े गेम अगर उसके लिए आप GPU रेंडरिंग यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉपरली फंक्शन ना करे, वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर दे, इंटरनली डैमेज हो जाए। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि GPU रेंडरिंग ऑन मत करें, और गाइस अगर आप ये करते भी हैं तो प्लीज़ उस टाइम गेम मत खेलें। अगर आप सिर्फ डिस्प्ले अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए आप GPU रेंडरिंग ऑन कर सकते हैं, उसके बाद आपका डिस्प्ले डेफिनेटली बेटर हो जाएगा, बट प्लीज़ गेम मत खेलिएगा इसको ऑन करके। गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ इट इज़ यूजफुल टू यू देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गाइस जब आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने का, सो थैंक यू गाइस।